नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। लोक आस्था का महापर्व का जो शुरुआत है 28 तारीख से होने वाला, यानी 28 तारीख को जो है नहाय खाय, उसको लेकर अगर घाटों की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि अभी हम NIT घाट के बढ़रवा घाट पर हैं, जहाँ जो है नगर निगम की ओर से जो कार्य का जो है शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कई घाट जो हैं ऐसे जो असुरक्षित हैं और कई घाट जो है सुरक्षित, यानी एक रूप से कहा जाए तो घाटों के लेकर काफ़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि देख सकते हैं कि जो घाट जो है, घाट में तमाम जो मजदूर हैं वो लगे हुए, हालांकि अभी खाने के लिए जितना जो मजदूर है वो गए हुए, लेकिन आप पहले नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बढ़रवा घाट का ये नज़ारा है, जहाँ तमाम मजदूर नगर निगम की टीम के साथ जो है आप देख सकते हैं कि कलाकार जो पेंटर है वो भी मौजूद है, लगातार जो है यहाँ पे जो साफ सफाई के साथ साथ रंगोली बनाने का जो है कार्यक्रम सिलसिला चल रहा है। और अभी जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो एक तरह से बता दें कि कई जो घाट हैं वो असुरक्षित घाट है, यानी खतरनाक घाट है जैसे कहा जाए एक तरह से, तो 18 घाट को सुरक्षित घाट बताया गया है और 7 घाट वही हैं जो खतरे के निशान पर है, जहाँ लोग जो है वहाँ पर्व नहीं कर सकते हैं। हालाँकि आप देख सकते हैं कि लाल जो कपड़े का निशान है वो खतरे का घाट बताया जा रहा है, यानी वहाँ पे जो लोग हैं, जो पर्व करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे आकर छठ पर्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो खतरनाक घाट बताया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं, फिर से हम अपने सहयोगी से कहें कि नज़ारा देख लें कि किस तरह से जो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ, और ये जो सीढ़ी है आप देख सकते हैं कि सीढ़ी का जो पाया है वहाँ तक डूब गया है, यानी एक तरह से देखा जाए तो जो कादों का जो सिलसिला है वो कादों यहाँ लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन लोग और मजदूर जो है यहाँ लगातार जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अब से 2 दिन के बाद ही नहाय खाए हैं और 28 तारीख को नहाय खाए, इसको लेकर समस्या काफ़ी बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही अगर ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ले तो अभी उन्होंने यहाँ पे आके निरीक्षण किया था और उसके बाद वहीं मैरिन ड्राइव से होते हुए वापस गए हैं, लेकिन घाटों की अगर देखा जाए तो लगातार घाट में पानी है वो बढ़ते जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि सुरक्षा की अगर बात कर ले तो सुरक्षा के अभी चौक चौबंद यहाँ किए गए हैं, लगातार जो है CCTV से जो है पहली बार जो है राजधानी पटना में निगरानी किया जाएगा और तमाम जो है सीढ़ियों पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम बनाया गया और हर जगह जो है सिविल से लेकर वर्दी में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। सहयोगी के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।